इंदौर के सतलोक आश्रम में तत्वर्षी संत रामपाल महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल आध्यात्मिक सत्संग, विशाल खुला भंडारा, गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस महोत्सव में शामिल होने लाखों भक्त सतलोक आश्रम पहुंचे हैं। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने समस्त धर्म प्रेमी जनता से इस महा विशाल समागमन में पधारने के लिए निवेदन किया जा रहा है। संत रामपाल महाराज के अनुयायी विष्णुदास ने बताया कि आज से 509 साल पहले शेख तक्की पीर ने करीब कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए 3 दिन के भंडारे की झूठी चिट्ठी कबीर साहब के नाम से सभी के पास भिजवाई थी। कबीर जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, सभी आना और भोजन के बाद एक मोहर एक दोहर भी देंगे। कबीर साहब ने उत्तर प्रदेश के काशी शहर में सतलोक से 9 लाख बैलों पर पकाया भोजन लाकर 3 दिन तक 18 लाख लोगों को भंडारा भी करा दिया था और कबीर साहब की पूरे विश्व में महिमा हुई। इसी की याद में संत रामपाल महाराज के सानिध्य में इस महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी से इस पाप नाशक भंडारे में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण करने की अपील की है। आयोजन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है, साथ ही निःशुल्क नाम दिशा की व्यवस्था भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ये हमारे गुरु सद्गुरुदेव जी ने दिव्य धर्म यज्ञ का नाम दिया है इसको, और ये आज से 509 वर्ष पूर्व जब कबीर परमात्मा आए हुए थे, जब अपनी लीलाएं कर रहे थे, उस समय एक शेख तकी नाम का एक पीर था, तो उन्होंने कबीर जी से वो ईर्ष्या करते थे। तो उस समय उन्होंने क्या करा कि कबीर जी के नाम से एक झूठी चिट्ठी लिख दी कि कबीर जी 3 दिनों का भंडारा कराएंगे और जिस भंडारे में शामिल होगा उसको मोहर भी मिलेगी और दोहर भी मिलेगी। तो इस टाइप से उन्होंने जो झूठी चिट्ठियाँ थी अन्य मठाधीशों को, अन्य ब्राह्मणों को, गुरु को भेजा था। तो उस समय हमारे कबीर परमात्मा जी ने 9 लाख बेलों पर सतलोक से चलकर भंडारा लेकर आए थे। शुद्ध घी का पकवान था, लड्डू जलेबी का पकवान था, पूड़ी थी, मतलब बहुत सारा पकवान था। उसके साथ में ही 18 लाख लोग वहाँ जमा हुए थे। 3 दिन तक वहाँ पर लगातार भंडारा चला था जिसमें 18 लोगों को भोजन कराया था। तो उसी की याद में हमारे सदगुरुदेव जी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विशाल समागम आयोजित किया गया है, जो कि 7 नवंबर, 8 नवंबर और 9 नवंबर को ये आयोजन लगातार चलेगा। आज आप देख रहे होंगे कि आज 7 नवंबर को ये जो कार्यक्रम चला है, आज कम से कम 7 से 8 लाख लोगों ने भंडारा यहाँ पा लिया है और अभी लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई जगत की आत्मा भी आई है जिन्होंने नाम नहीं लिए, वो भी क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी ने प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ग्राम के अंदर और प्रत्येक घर घर में जाकर निमंत्रण पत्र बांटा गया था, आमंत्रण कार्ड बांटा गया था कि आप सब लोग इस धर्म भंडारे में आए, मतलब आइए, सबको निमंत्रण देखा। तो आज मैं देख रहा हूँ कई जगत के लोग आत्मा आ रही है, कई कई उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से आ रहे हैं, उनके मस्तक में तिलक लगा हुआ है, यहाँ का परमात्मा दंड प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे, बोले ऐसे हमने आज तक सुक्षेत्र नहीं देखी। कई बजरंग दल वाले, हिंदू विश्व परिषद वाले भी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यार आपके गुरुजी तो राम राम, जहाँ देखो वहाँ सब्जी राम, पुड़ी राम, जल राम, बोले यार राम ही राम का नाम चल रहा है। तो इस टाइप से परमात्मा पता नहीं क्या करना चाह रहा है, यहाँ जगत की आत्माओं का बड़ा सैलाब है। हमारे जो गुरुजी का अनुयायी है वो तो साथ में आ ही रहे, मगर उससे ज़्यादा जगत की आत्मा यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर रही है।